नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों देखिए, आज हमारे पास ये एक टावर रिपेयर होने आया है, ये देखिए। और इसके अंदर दो प्रॉब्लम है दोस्तों। वो है कि जैसे हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें साउंड जो है वो फटने लग जाता है। तो यहाँ पर जब साउंड फटने लग जाता है तो यहाँ पर देखिए साउंड कम भी आ रहा है और फट भी रहा है। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जला हुआ था, हमने उसको लगा दिया, 220 ओम का रेजिस्टेंस था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए दिक्कत क्या आ रही है, ट्रांजिस्टर मैंने दो निकाले हैं, देखिए इसमें से एक ख़राब है और एक सही है, लेकिन यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखाऊंगा। और इस तरीके से हम जो है किसी भी फॉल्ट को जो है चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा फॉल्ट कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर चेंज कराया खाली हमने अभी तक तो, और ट्रांजिस्टर को पहले चेक करते हैं। चेक करने के बाद इसमें लगाएंगे और लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो सेट है वो किस तरीके से चल रहा है। तो सेट का बोर्ड देख लीजिए, बोर्ड हमारा कुछ इस तरीके से है, ये देखिए। और ये पहले भी कहीं रिपेयर हो चुका है, ये देखिए इसमें जम्फर वगैरह लगा रखे हैं, तो पहले भी कहीं रिपेयर हो चुका है, अब हमारे पास रिपेयर होने आया है। तो इसके अंदर हम पहले ट्रांजिस्टर डालते हैं, मैं ट्रांजिस्टर दिखाता हूँ कि जो ख़राब वाला है उसमें क्या कमी है और जो सही है उसके अंदर क्या है, तो कैसे आप पहचान सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये देखिए ख़राब है। अब इसकी रीडिंग आपको दिखाता हूँ, तो इसकी रीडिंग देखिए मल्टीमीटर के अंदर, तो पिन नंबर 2 पे ये इसकी रीडिंग आ रही है देखिए 170 के आसपास, और पिन नंबर 3 पे इसके अंदर कोई रीडिंग नहीं है, यानी कि ये ख़राब है। अब देखिए ये सही ट्रांजिस्टर को मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पिन नंबर 2 पे इसकी रीडिंग 500 से ऊपर जा रही है, और पिन नंबर 3 पे भी इसकी रीडिंग जो है 500 से ऊपर जा रही है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर हमारा सही है और ये ख़राब है। लेकिन इसके अंदर कोई शॉर्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कोई शॉर्टिंग वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा है। तो आगे चलता हूँ दोस्तों, मैं इस ट्रांजिस्टर को डाल देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया था इसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर की ही प्रॉब्लम थी, और जो रेजिस्टेंस हमारी हीट होके ख़राब हो गई थी हमने उसको चेंज करा। तो रेजिस्टेंस हमारी SMD थी, SMD हम पे नहीं थी, तो हमने ये क्वार्टर वाट में लगा दी और एक ट्रांजिस्टर को चेंज कराया जिससे हमारी आवाज़ जो फटना है वो क्लियर हो गया। तो इसमें ट्रांजिस्टर जो था वो शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा था लेकिन ख़राब था, ये देखिए।